एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, सबसे पहले एमसीक्यू लिख लिया करो, सही है? जब मैं मेंशन करता हूँ, पहले लॉ हमें बता देता क्वालिटेटिव डिफिनेशन ऑफ द फोर्स। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ गिव्स क्वालिटेटिव डिफिनेशन, सही है ना? फर्स्ट लॉ गिव्स क्वालिटेटिव डिफिनेशन, क्वालिटेटिव मतलब ये हमें डिफिनेशन ऑफ फोर्स देता था, उसकी क्वालिटी का बताता था, डिफिनेशन ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ गिव्स क्वांटिटेटिव डिफिनेशन ऑफ द फोर्स, ये फोर्स को मेजर करने का बताते हैं, क्वांटिटेटिव डिफिनेशन, सही है? क्वांटिटेटिव डिफिनेशन, सही है? अच्छा, फर्स्ट लॉ जो था वो एब्सेंस ऑफ फोर्स के बारे में था, एब्सेंस ऑफ फोर्स। ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए याद रखना। सेकेंड लॉ जो है दैट इज अबाउट प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स, प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स, प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स, सही है? दिस लॉ इज अबाउट प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज क्वाइट सिंपल। स्टेटमेंट क्या है इसकी? स्टेटमेंट इज क्वाइट सिंपल, फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, नाउ यू पीपल नो कि एफ इज इक्वल टू एम ए सेकंड लॉ है। एफ इज इक्वल टू एम ए सेकंड लॉ नहीं है, नाइदर इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये आगे तुम लोगों को पता चलेगा। सो हम कहते हैं बुक में जो प्रूफ लिखे गए इज प्रोपोर्शनल टू एफ। फॉर एग्जांपल, फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगी बॉडी में, तो ये जब मास कांस्टेंट हो, रिमेंबर मास यहां पे कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट होगा, सी को मैं कांस्टेंट के लिए लिख रहा हूं, सही है? ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मास, 1 बाय मास, सही है? व्हेन फोर्स कांस्टेंट हो, जब फोर्स कांस्टेंट होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर मास को सेम रखो तो जितना फोर्स ज्यादा करोगे उतना एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, कॉमन सेंस है। इसी तरह अगर मास को कांस्टेंट रखो तो फोर्स जितना ज्यादा करो, सॉरी, फोर्स को कांस्टेंट रखो तो जितना मास ज्यादा करोगे एक्सीलरेशन कम होगा, बड़े ऑब्जेक्ट में कम एक्सीलरेशन होती है ऑब्वियसली, ज्यादा फोर्स लगाओगे उसके लिए। अच्छा, तो इस इट मीन्स के ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम, एफ डिवाइड बाई एम, दोनों को कंबाइन किया तो लिख लो एमसीक्यू के लिए लिख लो, ग्रेटर द एफ बाई एम रेशियो, ग्रेटर द एफ बाई एम रेशियो, ग्रेटर विल बी एक्सीलरेशन, ग्रेटर एफ बाई एम रेशियो, ग्रेटर ये वाला रेशियो, ग्रेटर एक्सिलरेशन, ग्रेटर एफ बाई एम, ग्रेटर एक्सिलरेशन, सही है? ग्रेटर एक्सिलरेशन लिख लेना। एमसीक्यूज गिवन हो गए, एफ बाई एम रेशियो 4 गिवन हो गए, 2, 4, 7, 8, किसके ज्यादा एक्सिलरेशन होगा? 8 वाले का। अच्छा, ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगाओगे, ए हो जाएगा ए इज इक्वल टू एफ बाई एम और इनटू के, सही है? एफ बाई एम इनटू के, तो ये के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड इसका एसआई यूनिट में वैल्यू है 1। एसआई यूनिट्स में इसका वैल्यू क्या है? 1। एसआई यूनिट में इसका क्या वैल्यू है? 1। नाउ टेल मी कि अगर मास डबल होगा तो के की क्या वैल्यू होगी, ट्रिपल होगी या डबल होगी? रिमेंबर कि जो चीज एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज हो जाती है वो उस फॉर्मूले में किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। के इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल ऑफ दिस, के इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल ऑफ दिस, के इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल ऑफ दिस, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती है। कोई 300% बढ़ाओ, के को कुछ नहीं होगा, के को कुछ नहीं होगा, लिख लो, इनको नोट कर लो, इनको नोट कर लो। तो के की वैल्यू 1 पुट करो एसआई यूनिट्स में, इज इक्वल टू एफ बाई एम हो जाएगा। इससे आप लोगों के पास खूबसूरत से आता है एफ इज इक्वल टू एम ए। अगेन दिस इज नॉट द सेकंड लॉ, दिस इज नॉट द सेकंड लॉ एंड दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकंड लॉ जो मैं बताऊंगा कि कब होता है। ये हो गया तुम लोग के पास की। अब मुझे ये बताओ कि हम कहते हैं ना ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एम व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, इसका ग्राफ क्या होगा? इज इट स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और व्हाट? रिमेंबर कि ए इनवर्स रिलेशन जो होता है ना, इस तरह के सीन, जब इस तरह वाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स के फॉर्म में, एफ इज इक्वल टू 1 बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय एम, मतलब कांस्टेंट डिवाइड बाय, मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे और रेसिप्रोकल में हो, ऊपर कोई कांस्टेंट हो, 1, 2, 3 के जेड कुछ कांस्टेंट होना, उसका हमेशा हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, हाइपरबोलिक 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 ग्राफ होता है, सही है? तो इनवर्स रिलेशन क्या देते हैं? हाइपरबोलिक ग्राफ आप लोगों को देते हैं, क्या देते हैं? हाइपरबोलिक ग्राफ, सही है? ओके, और एक दूसरी बात, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये कौन सा मास होगा? विच वन मास इज दिस? दिस इज इनर्शियल मास, दिस इज इनर्शियल मास, दिस इज इनर्शियल मास, ये इनर्शियल मास है तुम लोगों के पास, ये तुम लोगों के पास इनर्शियल मास है, सही है? और क्या कहते हैं, विच अपोजेस द फोर्स, ये वही इनर्शियल मास है विच अपोजेस दैट फोर्स, मतलब ये वो इनर्शियल मास है जो इस फोर्स को अपोज करेगा। कॉमन सेंस से फोर्स इस पे लगेगा तो इस मास पे लगेगा ना, एक बॉडी है तो एक इनर्शियल बॉडी, उसका मास इनर्शियल मास होगा, वो फोर्स को रेजिस्ट करेगा। यूनिट क्या है? यूनिट है न्यूटन,
और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन तुम लिख सकते हो। सही है। ओके, वन न्यूटन फोर्स क्या होगा? वन न्यूटन फोर्स क्या होगा? वन न्यूटन फोर्स होगा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो और उसी को लिख लो। फिर 1 न्यूटन वो वाला फोर्स है जो 1 किलोग्राम के वजन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करता है। मतलब 1 किलोग्राम का कोई वजन ले लो, उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करो, तो जितनी फोर्स तुमने लगाई है उसको हम 1 न्यूटन बोलेंगे, उसको हम 1 न्यूटन बोलेंगे। ओके, अभी ये तो मतलब इजी सीन था, ये तो आसान था। अभी थोड़ा बात कर लेते कनेक्टेड बॉडीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर कनेक्टेड बॉडीज, तो न्यूटन लॉ किस तरह यूज होगा? सबसे पहले बात ये करो कि अगर कनेक्टेड बॉडीज हो गए M1 M2, पॉइंट नंबर वन, इनमें एक्सेलरेशन सेम होगा। नो मैटर दोनों को एक साथ मूव करो, नो मैटर 1,000 बॉडीज हो सबको एक साथ मूव करो, नो मैटर 1 करोड़ बॉडीज हो, एक्सेलरेशन सेम इन ऑल, सेम इन ऑल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक्सेलरेशन सब में सेम हो तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास? इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, बट व्हेन, व्हेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बट व्हेन इन कनेक्टेड बॉडीज। ये ना हो कि तुम लोग इधर बोलोगे ए इज प्रोपोर्शनल टू, ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। भाई यहाँ पे मास में फर्क पड़ता है, यह कनेक्टेड बॉडीज के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास इन कनेक्टेड बॉडीज। इंपॉर्टेंट बात, इन कनेक्टेड बॉडीज। सही है। अच्छा, मास इसका क्या होगा? एक्सेलरेशन को डील के लिए मास इसका क्या होगा? मासेस विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। M1, M2, M3 जितने होंगे उन सबको ऐड करना है, M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन अप टू MN। तो मतलब सबका मास सेम हो जाएगा। तो दो बॉडीज इनका इनका कंबाइंड मास तुम लोग लिखोगे, जिसको हम बड़ा M बोलेंगे उसको लिख लेंगे M1 प्लस M2। तो इसका फोर्स, तो अगर तुम लोगों ने MA कैलकुलेट करना, तुम लोग किस तरह करोगे? F इज इक्वल टू MA, एक्सेलरेशन सेम होगा लेकिन मास M1 प्लस M2 हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन। सही है, M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को भी डील कर लिया, मास को भी डील कर लिया, तीसरा फोर्स बच जाते हैं। तो फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द हेवियर ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर एक दो बॉक्सेस है, दो बॉक्सेस फोर्स लगाया आपने, तो पहले तो वो वाला बॉक्स मूव करेगा ना जो सबसे बड़ा हो। जब वो बड़ा मूव करेगा तो याद रखे सबसे ज्यादा फोर्स बड़े बॉक्स पे ट्रांसफर हो जाते हैं। सबसे बड़ा फोर्स, फोर्स जो ट्रांसफर होता है दोनों बॉडीज में, अमंगस्ट ऑल द बॉडीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर ये तो दो में बने, अगर तीन में बनाओ ना तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू मास, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट। अच्छा, और याद रखें कि पूरे मासेस को आप लोगों ने क्या कंसीडर करना है? एज अ सिंगल यूनिट, एज अ सिंगल यूनिट। और सब पे फोर्स किस तरह लगता है? सब पे फोर्स सेम फोर्स लगता है सब पे, लेकिन वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फेस दोनों सेम फोर्स करते हैं लेकिन वो सब पे फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो सॉरी यार, वो दरम्यान में स्टॉप हो गया था। आई होप इट इज क्लियर नाउ, आई होप स्क्रीन इज ओके टू एवरीवन। ओके, सो मैं जरा रिपीट कर लेता हूँ अगर वो मिस हो गया हो। ओके, सो अगर कनेक्टेड मासेस हो, एक्सेलरेशन उनमें सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा, एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा, लेकिन सिर्फ कनेक्टेड बॉडीज में, ओनली फॉर कनेक्टेड। लिख लो लिख लो लिख लो, ओनली फॉर कनेक्टेड, क्योंकि नॉर्मल में तो ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/m होते हैं। मासेस सबके ऐड हो जाएंगे, सबको एज अ सिंगल पार्टिकल कंसिडर करना होगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्लीज लिख लो, सबको एज अ सिंगल पार्टिकल कंसिडर करोगे, सब मासेस को ऐड करोगे। और अगर फोर्स लग रहा हो तो फोर्स हैवियर मासेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सब सेम फोर्स फेस करेगी, सब पे फोर्स सेम लग जाएगा लेकिन वो पे डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू देयर मासेस हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू देयर मासेस हो जाएगा। ओके, और मतलब लार्ज फोर्स इज गिवन टू द लार्जर मास, मतलब उसमें ट्रांसफर हो जाता है, एंड स्मॉलर फोर्स गोज टू द स्मॉलर, या फिर वाइस वर्सा, आप तो इस तरह भी कह सकते। सही है। ओके, सो F is proportional to m when acceleration is constant. अगर acceleration constant हो तो जितना mass होगा उसमें उतना ज्यादा force लगेगा ना। अगर acceleration constant रख लो तो जितना mass ज्यादा होगा उस पर उतना force ज्यादा लगेगा। तो किस तरह relation बनेगा? F1 divided by F2 is equal to m1 divided by m2. m1 divided by m2. Similarly, दूसरा point, very important, note it down. A1 divided by A2 is equal to m2 divided by m1. अगर फोर्स कांस्टेंट हो, अगर फोर्स कांस्टेंट हो फिर इस तरह लगेगा। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन तो उल्टा होगा ना, A1 बराबर होगा, सॉरी A1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/m1। सही है, और एंड सो ऑन। फोर्स कांस्टेंट अगर हो, फोर्स कांस्टेंट अगर हो, कॉमन सेंस है एक्सेलरेशन उल्टा प्रोपोर्शनल। ये देखो ये डायरेक्ट रिलेशन में होगा, ये इनवर्स में होगा, क्योंकि A इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। और
अगर मास कांस्टेंट करो तो तीसरे का क्या बनता है, अगर मास कांस्टेंट करो तो ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ, तो ए वन डिवाइड बाई ए टू इज इक्वल टू एफ वन डिवाइड बाई एफ टू, जिस तरह मास है, सॉरी इसमें मास कांस्टेंट होता है, सही इसमें मास कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट। कॉमन सेंस है, अगर मास कांस्टेंट है तो जितना फोर्स ज्यादा लगेगा उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। अब समझ तब आएगा जब एमसीक्यूज होगे ना, तो एमसीक्यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम वन इज 1 kg, एम टू इज 2 kg, और जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स वो है 3 न्यूटन। अब 3 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, दो बॉडीज कनेक्टेड है, सही है, दो बॉडीज कनेक्टेड है, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों बॉडीज